सियार ने कहा, मृगराज, आपने मेरे लिए जो बात कही है, वह सर्वथा आपके योग्य है, तथा आप जो धर्म और अर्थ साधन में कुशल एवं शुद्ध स्वभाव वाले सहायक ढूंढ रहे हैं, यह भी उचित ही है। महाभाग, इसके लिए आपको चाहिए कि जिनका आपके प्रति अनुराग हो, जिन्हें नीति का ज्ञान हो, जो संधि कराने में कुशल, विद्याभिलाषी, लोभ रहित, बुद्धिमान, हितैषी तथा उदार हृदय वाले हो, ऐसे व्यक्तियों को सहायक बनाकर पिता और गुरु के समान उनका आदर करें। आप मेरे लिए जो सुविधाएं दे रहे हैं, उनकी मुझे इच्छा नहीं है। मैं सुख, भोग तथा उनके आधारभूत ऐश्वर्य को नहीं चाहता। आपके पुराने नौकरों के साथ मेरा स्वभाव भी नहीं मिलेगा। वे दुष्ट प्रकृति के जीव हैं। आपको मेरे विरुद्ध भड़काया करेंगे। उनका प्रताप बढ़ा हुआ है, अतः उनको मेरे अधीन होकर रहना अच्छा नहीं मालूम होगा। इधर मेरा स्वभाव भी कुछ विलक्षण है। मैं पापियों पर भी कठोरता का बर्ताव नहीं करता। दूर तक की बात सोचता हूँ। मेरा उत्साह कभी कम नहीं होता। मुझमें बल की मात्रा भी अधिक है। मैं स्वयं कृतार्थ हूँ और प्रत्येक कार्य सफलता के साथ कर सकता हूँ। किसी की सेवा टहल का तो मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं है। स्वच्छंदता पूर्वक वन में विचरता रहता हूँ। मेरे जैसे वनवासियों का जीवन आसक्ति रहित और निर्भय होता है। एक जगह बेखटके पानी मिलता हो और दूसरी जगह भय देने वाला स्वादिष्ट अन्न प्राप्त होता हो, इन दोनों को यदि विचार करके देखता हूँ, तो मुझे वहाँ ही सुख जान पड़ता है, जहाँ कोई भय नहीं है। राजा के पास रहने में सदा भय ही भय है। राज सेवकों में से जितने लोग दूसरों के लगाए हुए झूठे कलंक के कारण राजा के हाथ से मारे गए हैं, उतने सच्चे अपराधों के कारण नहीं। मृगराज, यदि मुझसे मंत्रित्व का कार्य लेना ही हो, तो मैं आपसे एक शर्त करना चाहता हूँ। उसी के अनुसार आपको मेरे साथ बर्ताव करना पड़ेगा। मेरे आत्मीय व्यक्तियों का आप सम्मान करें, उनकी हितकारिणी बातें सुनें। मैं आपके दूसरे मंत्रियों के साथ कभी परामर्श नहीं करूंगा। एकांत में सिर्फ आपके साथ अकेला ही मिलूंगा और आपके हित की बातें बताया करूंगा। आप भी अपने जाति भाइयों के कामों में मुझसे हिताहित की बात न पूछिएगा। मुझसे सलाह करने के बाद यदि आपके पहले के मंत्रियों की भूल भी साबित हो, तो उन्हें प्राण दंड न दीजिएगा। तथा कभी क्रोध में आकर मेरे आत्मीय जनों पर भी प्रहार न कीजिएगा। शेर ने ऐसा ही होगा कहकर सियार का बड़ा आदर किया। सियार ने भी उसका मंत्री होना स्वीकार कर लिया। फिर तो उसका बड़ा स्वागत सत्कार होने लगा। प्रत्येक कार्य में उसकी प्रशंसा होने लगी। यह सब देख सुनकर पहले के सेवक और मंत्री जल भुन गए। सब उसके साथ द्वेष करने लगे। उनके मन में दुष्टता भरी थी, इसलिए वे झुंड बांधकर बारंबार सियार के पास आते और अपनी मित्रता जताते हुए उसको समझा बुझाकर अपने ही समान दोषी बनाने की कोशिश करते थे। सियार के आने से पहले उनकी रहन सहन कुछ और ही थी। दूसरों की वस्तु छीनकर स्वयं उसका उपभोग करते थे, किंतु अब उनकी दाल नहीं गलती थी। वे किसी का भी धन लेने में असमर्थ थे, क्योंकि सियार ने उन पर बड़ी कड़ी पाबंदी लगा रखी थी। वे चाहते थे सियार भी डिग जाए, इसलिए तरह तरह की बातों में उसे फुसलाते और बहुत सा धन देने का लोभ दिखाते थे। मगर सियार बड़ा बुद्धिमान था, वह उनके चकमे में नहीं आया। उसने धैर्य नहीं छोड़ा। तब उन नौकरों ने उसका नाश करने की शपथ खाई और सब मिलकर इसके लिए प्रयत्न करने लगे। एक दिन उन्होंने शेर के खाने के लिए जो मांस तैयार करके रखा गया था, उसे उसके स्थान से चुरा लिया और सियार की मांद में ले जाकर रख दिया। सियार ने मंत्री पद पर आते समय शेर से पहले ही ठहरा लिया था कि राजन, यदि तुम मुझसे मित्रता चाहते हो,
तो किसी के बहकावे में आकर मेरा विनाश ना करना। उधर शेर को जब भूख लगी और वह भोजन के लिए उठा, तो उसके खाने के लिए रखा हुआ मांस नहीं दिखाई पड़ा। शेर ने चोर का पता लगाने के लिए नौकरों को आज्ञा दी। तब जिनकी यह करतूत थी, उन्हीं लोगों ने शेर से उस मांस के बारे में बताया। महाराज, अपने को बड़ा बुद्धिमान और पंडित मानने वाले सियार महोदय ने ही आपके मांस का अपहरण किया है। सियार की यह चपलता सुनकर शेर गुस्से से भर गया और उसको मार डालने का विचार करने लगा। उस समय सियार के प्रतिकूल कुछ कहने का मौका देखकर पहले के मंत्री लोग शेर से कहने लगे, राजन, वह तो बातों से ही धर्मात्मा बना हुआ है, स्वभाव का बड़ा कुटिल है, भीतर का पापी है, मगर ऊपर से धर्म का ढोंग बनाए हुए है। उसका सारा आचार विचार दिखावे के लिए ही है। यह कहकर वे क्षण भर में ही उस मांस को सियार की मान से उठा ले आए। शेर ने उनकी बातें सुनी और जब निश्चय हो गया कि सियार ही मांस ले गया था, तो उसने उसको मार डालने की आज्ञा दे दी। शेर की यह बात जब उसकी माता को मालूम हुई, तो वह हितकारी वचनों से उसे समझाने के लिए आई और कहने लगी, बेटा, इसमें कुछ कपटपूर्ण षड्यंत्र हुआ जान पड़ता है। तुम्हें इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। काम में लाग डांट हो जाने से जिनके मन में पाप होता है, वे निर्दोष को ही दोषी बनाते हैं। किसी को अपने से ऊंची अवस्था में देखकर अक्सर लोगों को ईर्ष्या हो जाया करती है। वे उसकी उन्नति नहीं सह सकते। कोई कितना ही शुद्ध क्यों ना हो, उस पर भी दोष लगा ही देते हैं। लोभी शुद्ध स्वभाव वाले व्यक्तियों से और आलसी तपस्वियों से द्वेष करते हैं। इसी प्रकार मूर्ख लोग पंडितों से, दरिद्र धनियों से, पापी धर्मात्माओं से और कुरूप रूपवानों से डाह रखते हैं। विद्वानों में भी कितने ही ऐसे अविवेकी, लोभी और कपटी होते हैं, जो बृहस्पति के समान बुद्धि रखने वाले निर्दोष व्यक्तियों में भी दोष निकाला करते हैं। एक और तो जब घर में सुनसान था, उस समय तुम्हारे मांस की चोरी हुई है। दूसरी ओर एक व्यक्ति ऐसा है जो देने पर भी मांस नहीं लेना चाहता। इन दोनों बातों पर अच्छी तरह विचार करो। संसार में बहुत से असभ्य प्राणी सभ्य की तरह और सभ्य असभ्य की तरह देखे जाते हैं। इस प्रकार उनमें अनेकों भाव दृष्टि गोचर होते हैं, अतः उनकी परीक्षा कर लेनी उचित है। आकाश औंधी कड़ाही के समान और जुगनू अग्नि के समान दिखाई देते हैं, किंतु ना तो आकाश में कड़ाही है और न जुगनू में आग ही है। इसलिए सामने दिखाई देती हुई वस्तु की भी जांच करनी चाहिए। जो जांचने बूझने के बाद किसी विषय में अपना विचार प्रकट करता है, उसे पीछे पछतावा नहीं होता। राजा के लिए किसी को मरवा डालना कोई कठिन काम नहीं है, मगर इससे उसकी बड़ाई नहीं होती। शक्तिशाली पुरुष में यदि क्षमा हो, तो उसी की प्रशंसा की जाती है, उसी से उसका यश बढ़ता है। बेटा, सोचो तो, तुमने स्वयं ही सियार को मंत्री के आसन पर बिठाया है और तुम्हारे सामंतों में भी इसकी ख्याति बढ़ गई है। ऐसा सुपात्र मंत्री बड़ी मुश्किल से मिलता है। यह तुम्हारा बड़ा हितैषी है, इसलिए तुम्हें इसकी रक्षा करनी चाहिए। जो दूसरों के मिथ्या कलंक लगाने पर निर्दोष को भी अपराधी मानकर दंड देता है, वह राजा दुष्ट मंत्रियों के साथ रहने के कारण शीघ्र ही मौत के मुख में पड़ता है। शेर की माता इस प्रकार उपदेश दे ही रही थी कि उस शत्रु समूह के भीतर से एक धर्मात्मा व्यक्ति उठकर शेर के पास आया। वह सियार का जासूस था। उसने जिस प्रकार यह कपट लीला की गई थी, उसका भंडा फोड़ कर दिया। इससे शेर को सियार की सच्चरित्रता का पता चल गया और उसने मंत्री का सत्कार करके उसको इस अभियोग से मुक्त कर दिया तथा अत्यंत स्नेह के साथ उसे बारंबार गले से लगाया।
सियार नीति शास्त्र का ज्ञाता था। उसने शेर की आज्ञा लेकर उपवास करके प्राण त्याग देने का विचार किया। शेर ने उसे इस कार्य से रोका और उसका भली भांति आदर सत्कार किया। उस समय स्नेह के कारण उसका चित्त विकल हो रहा था। मालिक की यह अवस्था देख सियार का भी गला भर आया और वह उसे प्रणाम करके गदगद कंठ से बोला, राजन, पहले तो आपने मुझे सम्मान दिया और पीछे अपमानित कर दिया, शत्रु किसी स्थिति में पहुंचा दिया। अब मैं आपके पास रहने के योग्य नहीं हूँ। जो अपने पद से हटाए गए हो, सम्मानित स्थान से नीचे गिरा दिए गए हो, जिनका सर्वस्व छीन लिया गया हो, जो दुर्बल, लोभी, क्रोधी और डरपोक हो, जिन्हें धोखे में डाला गया हो, जिनका धन लूटा गया हो, तथा जिन्हें कलेश दिया गया हो, ऐसे सेवक शत्रुओं का काम सिद्ध करते हैं। आपने परीक्षा लेकर योग्य समझकर मुझे मंत्री के आसन पर बिठाया था और फिर अपनी की हुई प्रतिज्ञा को तोड़कर मेरा अपमान किया है। ऐसी दशा में अब आपका मुझ पर विश्वास नहीं रहेगा और मैं भी आप पर विश्वास न होने से उद्वेग में पड़ा रहूंगा। आप मुझ पर संदेह करेंगे और मैं सदा आपसे डरता रहूंगा। इधर दूसरों के दोष ढूंढने वाले आपके भृत्य लोग मौजूद ही हैं। इनका तनिक भी मुझसे स्नेह नहीं है तथा इन्हें संतुष्ट रखना भी मेरे लिए बहुत कठिन है। प्रेम का बंधन जब एक बार टूट जाता है तो उसका जुड़ना मुश्किल हो जाता है और जो जुड़ा हुआ होता है वह बड़ी कठिनाई से टूटता है। किंतु जो बारंबार टूटता और जुड़ता रहता है उसमें स्नेह नहीं होता। राजाओं का चित्त चंचल होता है, उनके लिए सुयोग्य व्यक्ति को पहचानना बहुत कठिन है। सैकड़ों में कोई एक ही ऐसा मिलता है जो सब तरह से समर्थ हो और किसी पर भी संदेह ना करता हो। इस प्रकार धर्म, अर्थ, काम तथा युक्तियों से युक्त सांत्वना पूर्ण वचन कहकर सियार ने शेर को प्रसन्न किया और फिर स्वयं वन में चला गया। वह बड़ा बुद्धिमान था, इसलिए शेर की अनुनय विनय न मानकर मृत्यु पर्यंत निराहार रहने का व्रत ले एक स्थान पर बैठ गया और अंत में शरीर त्याग कर स्वर्ग धाम में जा पहुंचा।